उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ जिले की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एएमयू छात्र छात्राओं के द्वारा कैंपस के अंदर बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ प्रोटेस्ट मार्च निकाला गया। एएमयू छात्र छात्राओं के द्वारा यह प्रोटेस्ट मार्च एएमयू कैंपस से लेकर बाबे सैयद गेट तक निकाला गया। कैंपस के अंदर निकाले गए इस प्रोटेस्ट मार्च में भारी तादाद में छात्र छात्राओं ने इकट्ठा होकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बैनर पर नरसंहार का डर स्लोगन भी लिखा गया। छात्र छात्राओं ने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के खिलाफ प्रोटेस्ट मार्च निकालते हुए छात्र छात्राओं ने सोशल मीडिया पर मुस्लिम बेटियों के लिए हेट स्पीच लिखने वाले अराजक तत्वों को बीजेपी व आरएसएस पर प्रमोट करने का आरोप भी लगाया। इसके साथ ही छात्रों ने हिजाब का मुद्दा भी उठाया। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ की कोतवाली सिविल लाइन क्षेत्र स्थित अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जुम्मे की नमाज के बाद छात्र छात्राओं के द्वारा एकजुट होकर एएमयू कैंपस के अंदर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के खिलाफ प्रोटेस्ट मार्च निकाला गया था। एएमयू कैंपस के अंदर छात्रों द्वारा भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के खिलाफ हाथों में बैनर लेकर जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन भी किया गया। इस दौरान जुम्मे की नमाज के बाद सैकड़ों की तादाद में छात्र छात्र पहले तो एएमयू कैंपस के डंक पॉइंट पर इकट्ठा हुए और उसके बाद बीजेपी व आरएसएस स्लोगन लिखे हुए बैनर लेकर एएमयू की सड़कों पर निकलकर प्रोटेस्ट मार्च निकालना शुरू कर दिया। इस दौरान एएमयू छात्रों ने हाथों में लिए बैनर पर नरसंहार का डर लिखा स्लोगन भी लिखा हुआ था, जिस पर छात्राओं ने कहा कि सोशल मीडिया पर मुस्लिम बेटियों के लिए लगातार हेट स्पीच लिखी जा रही हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर मुस्लिम बेटियों के खिलाफ हेट स्पीच लिखने वाले लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी व आरएसएस ऐसे अराजक तत्वों को प्रमोट करने का विरोध भी किया गया है। इसके बाद छात्रों ने एएमयू कैंपस में प्रोटेस्ट मार्च निकालने के बाद बाबे सैयद गेट पहुंचकर छात्र छात्राओं के द्वारा देश के राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन एएमयू प्रोक्टर टीम को सौंपा गया। राष्ट्रपति को सौंपे गए ज्ञापन के माध्यम से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र द्वारा अब छात्राओं की आवाज़ उठाते हुए मांग की गई, सोशल मीडिया पर मुस्लिम बेटियों के लिए लगातार अभद्र संदेश डाले जा रहे हैं, उनको समाज व देश में कहीं भी निकलने पर डर की अनुभूति हो रही है। इसके साथ ही एएमयू छात्राओं ने हिजाब पहनने का भी समर्थन किया। इस दौरान एएमयू सर्कल और बाबे सैयद गेट पर क्षेत्राधिकारी सिविल लाइन श्वेता पांडे सहित भारी तादाद में पुलिस फोर्स भी तैनात रहा। यह प्रोटेस्ट था मुस्लिम आरएनडी और मुस्लिम कल्चर को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है उसके उसके विरोध में प्रोटेस्ट था मुस्लिम कम्युनिटी को फेवर में, मतलब हम लोग उनके दुख में शामिल होने के लिए आ जाए थे। और हम आपको बता दें जिस तरह से मुस्लिम के ऊपर अब तक अत्याचार किए गए, चाहे वो लिंची के द्वारा किया गया, चाहे वो हत्या के द्वारा किया गया या उन्हें डराने की कोशिश की गया, जिस तरह से बीजेपी और आरएसएस काम करना चाह रहा है हिंदुस्तान के अंदर, सिर्फ उसकी आइडियोलॉजी और उसकी सोच के खिलाफ ये प्रोटेस्ट था। कैंपस में तो डर नहीं है आपको? नहीं, कैंपस में जाहिर सी बात है, जब कैंपस में आज हम प्रोटेस्ट निकाल लें तो जाहिर सी बात है पिछले एक हफ्ते पहले इस प्रोटेस्ट को लॉन्च कर दिया गया और उसके बाद में सब लोगों से हमने कैंपेन भी किया, काफ़ी बड़ी तादाद में लोग जुड़ना भी चाह रहे थे इसमें, लेकिन फिर बाद में पता चला कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुछ उस्ताद और कुछ यहाँ के तालिबे इल्म जो ये कहने कि आपके ऊपर मुकदमा भी हो सकता है, आपके ऊपर ये केस भी हो सकता है या आपके ऊपर ये उस्ताद आपके ऊपर एक्शन भी ले सकते हैं, तो ये मतलब क्या है, मतलब आप पूरी तरीके से दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जो बच्चे थे, काबिल थे, समझदार थे, जिन्हें अपना शहूर था अपनी ज़िंदगी को जीने का, वो लोग यहाँ आए और जाहिर सी बात अपनी बात कहने के लिए किसी को किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं, अपनी बात कह सकता, संविधान इस चीज़ की इजाज़त दे रहा है। मेमोरेंडम में डिमांड ये है कि हम लोगों ने सारे वारदातों का जिक्र किया है मेमोरेंडम में और प्रेसिडेंट वंडिया से सिर्फ यही गुजारिश की है कि अब तक जो वारदात बीतती हैं वो आगे नहीं होनी चाहिए। शुक्रिया। ये लेटर में है काफ़ी इनकी कई वो हैं बिंदु हैं इसमें हिजाब के बारे में कुछ और उसके बारे में आवश्यक कार्रवाई के लिए है राष्ट्रपति महोदय को। बीजेपी आरएसएस के खिलाफ है ये? अब ये तो आप उनसे पूछ लीजिए। आपको दिया है ना लड़का? हाँ दिया, मैं इसको पहुंचा दूंगा माननीय राष्ट्रपति महोदय को। आवश्यक कार्रवाई।